हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग जायसवाल एक बार आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं ज्यूरिसप्रूडेंस में, जो कि बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों में है। सेकंड ईयर में यहां पे एक सब्जेक्ट होता है ज्यूरिसप्रूडेंस, उसमें आपको एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट चैप्टर में शेड्यूल ऑफ ड्रग याद करने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि ए बी सी डी करके ऐसे ही कुछ शेड्यूल बनाए गए हैं, जिस शेड्यूल में स्टडी को आसान बनाने के लिए कि किसके अंदर क्या स्टडी किया जाएगा, उसको शेड्यूल वाइज डिवाइड किया गया है। ये एक चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, एक शेड्यूल ए, कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे दीजिए, आप चाहे GPAT का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप रेलवे फार्मासिस्ट का दीजिए, या आने वाले जो एग्ज़ाम है एग्जिट फॉर्मेशन के, एग्जिट एग्जामिनेशन है, या फिर बहुत से जो भी एग्ज़ाम होते हैं रिलेटेड टू फार्मेसी, सब में शेड्यूल से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ये निश्चित है। और कभी कभी दो क्वेश्चन भी आते हैं शेड्यूल से, इसलिए आपका शेड्यूल याद करना बहुत ज़रूरी है। और शेड्यूल क्या है, ए बी सी, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जैसे ये ए बी सी डी ई दिख रहा है ना, इस पर क्या कैटेगरी है, शेड्यूल एफ, ठीक है। तो ये सारे शेड्यूल्स जो है ना, आपको रटने होते हैं और आप याद करते हैं और एग्ज़ाम टाइम आप भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, बेहतरीन सा ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इस शेड्यूल को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं और आप कभी भी शेड्यूल्स को भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करने से फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगा, मैं आपको इस ट्रिक में कुछ अजीब सी बातें बताऊँगा, कुछ स्टोरीज बताऊँगा, कुछ हंसी मजाक की बातें बताऊँगा, कुछ शायद वर्ड्स बुरे भी लगे आपको। तो कुछ मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं बहुत ही सदाचारी, बहुत ही महानुभाव, वो कमेंट करके फिर उल्टा सीधा बोलते हैं, तो अगर आपको बुरा लगे तो मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ। अगर आपको कुछ भी ट्रिक में बुरा लगे तो फिर मेरी पूरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक याद कराने की है, कि आपको शेड्यूल याद हो जाए, आप कभी भी शेड्यूल के बारे में कुछ भूलें ना। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है शेड्यूल ए। देखिए, ए आपका पहला लेटर होता है, ठीक है फ्रेंड। और आप ये सोचिए कि जब आप कोई दुकान खोलने जाएंगे, आपको फार्मेसी का कोई स्टोर खोलना है, तो ए मतलब पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या याद करना है कि ए पहला वर्ड है और पहला काम होता है लाइसेंस अप्लाई करना। तो आप जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, आप मान लीजिए कोई दवा कंपनी खोलने जा रहे हैं, तो दवा कंपनी खोलने से पहले आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे, तो शेड्यूल ए के अंदर क्या स्टडी किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग। इस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स, कौन कौन से फॉर्म, क्या क्या तरीके होते हैं, शेड्यूल ए के अंदर आपको एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग पढ़ना है। आपको बस याद क्या करना है, शेड्यूल ए इज इक्वल टू लाइसेंस, लाइसेंस आपको आएगा, आपको ऑप्शन टिक लगाना है, ठीक है। शेड्यूल बी, अब मान लीजिए कि आपने दवा बना ली, कंपनी आपकी खुल गई, लाइसेंस मिल गया, दवा बना ली। अब आप जो दवा बनाएंगे, तो पहला बैच आप जो बनाएंगे उसको मार्केट में बेचने से पहले लैब में टेस्टिंग करने के लिए भेजेंगे, ठीक है फ्रेंड, ये याद रखना है। तो आपको याद कैसे करना है, बी, अब बी फी, बी फी, यानी आपको बी और फी को रिलेट करना है। तो फी मतलब होता है फीस, यानी जब दवा को आप किसी गवर्नमेंट लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, तो उसकी हर दवा की एक फिक्स्ड फीस होती है, कि 200 रुपये, 400 रुपये, 1000, 1200 रुपये, हर अलग अलग कैटेगरी की दवा की अपनी अपनी फ़ीस होती है। तो किस दवा की कितनी फ़ीस होती है, ये डिसाइड कौन करता है, शेड्यूल बी, आपको याद हो गया फ्रेंड, बी फी। सारा वीडियो आप 2 से 3 बार देखेंगे, 100% आपको सारे शेड्यूल याद हो जाएंगे। सी, देखिए फ्रेंड, सी जो है वो उसको याद करने की जरूरत, क्योंकि शेड्यूल सी एंड सी वन बहुत ही कॉमन है। आप डी आई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप डी आई के एग्ज़ाम में जानते हैं कि उसमें शेड्यूल सी एंड सी वन एक्सपीरियंस मांगता है। तो सी एंड सी वन क्या है, आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, पैरेंटल प्रिपरेशन, जैसे इंजेक्शन हो गया IM, IV और ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप्स, तो ये सब जिसमें बनते हैं उसको शेड्यूल सी कहते हैं। इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं बताया, क्योंकि शेड्यूल सी आई थिंक सबको याद होता है, ठीक है फ्रेंड। अगला है फ्रेंड शेड्यूल डी। अब देखिए, आपको उसमें क्या करना है, डी, डी से आपको याद करना है दीदी, डी कहते हैं ना दी, कुछ लोग दी को डी बोलते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आजकल भैया फैशन जमाना है, फेसबुक को FB, यूट्यूब को YT, उसी तरह दीदी को डी। तो आपकी दीदी आपके कमरे में कभी भी घुस सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं, उनको पूरी अथॉरिटी होती है, क्योंकि साफ़ सफाई दीदी ही करती कमरे की, हम लोग तो बहुत फैलाए रहते हैं। तो जो दीदी है वो कमरे में कभी भी घुस सकती है, यानी कि दीदी को कमरे में आने जाने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी परमिशन की। तो डी मतलब दीदी, दीदी को परमिशन, इसका मतलब कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको हमें इम्पोर्ट करने के लिए, यानी आपको उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ भी करना है, तो इम्पोर्ट करने के लिए हमें कभी भी किसी परमिशन की या प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो डी में उन दवाओं को रखा गया है जिनको हम आसानी से इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है लिस्ट ऑफ ड्रग एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविज़न ऑफ इम्पोर्ट, एक्सेम्प्ट होता है छूट होना, ठीक है फ्रेंड, आपको ट्रिक याद हो गया। अगला है ई। अब आप ई कैसे याद करिएगा, ई ई ऐसा बोलेंगे ना, ई, ये ई आदि कब बोलेगा, जब कोई चीज़ ऐसा कुछ खा लेगा, जहरीला चीज़ खा लेगा जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, या अच्छा जो पॉइजनस है। तो जब आदमी कुछ ऐसा चीज़ खा लेता है जो बहुत गंदा है, पॉइजनस है या बहुत जहरीला है, तो उसके मुंह से आवाज़ निकलती ई, 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 मतलब ई का मतलब पॉइजन,
यानी ऐसे सब्सटेंस आते हैं इस एक्ट के अंदर जो कैसे होते हैं पॉइजनस। फ्रेंड ये पांच हो गए हैं, आप इसको रिपीट करिएगा और स्क्रीनशॉट लेके सारा नोट्स बना लीजिएगा शेड्यूल का, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल एफ। देखिए शेड्यूल एफ से आपको याद आएगा फल या फ्रूट्स, आप एफ जैसे ही मन में आएगा आप एफ से फ्रूट्स याद करिएगा। और आप जानते हैं कि जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो शरीर में क्या, बड़े लोग हमारे क्या कहते थे, हमारे पूर्वज लोग कहते थे खावा करा फल तो हर लोग के खून बाढ़ी, मतलब कि जैसे ही आप फल खाएंगे शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। तो खून कहाँ बढ़ती, इकट्ठा होती है ब्लड बैंक में। तो एफ में हमको क्या पढ़ना है, रूल्स रेगुलेशन सारे इसके स्टैंडर्ड के ब्लड बैंक के। क्लियर हो गया फ्रेंड, ब्लड बैंक के जो होते हैं वो शेड्यूल्स में क्या होते हैं, एफ में क्या आएगा फ्रूट्स, फ्रूट्स खून बढ़ेगा, मतलब ब्लड बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। फ्रेंड्स एफ वन की बात करें तो अब एफ के अंदर एफ वन है, तो जिसे कि आपका जो खून बढ़ रहा है तो उसी से रिलेटेड क्या होता है कि कभी कभी जब खून नहीं बढ़ता होता है तो वन पहला काम क्या करते हैं, हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, बच्चों को टीका लगवाते हैं ताकि उसको बीमारी ना हो। तो एफ वन में फ्रेंड्स क्या आएगा, टीकाकरण यानी वैक्सीन्स। एफ वन में क्या आएगा, वैक्सीन्स। अब एफ टू में कभी कभी खून बहुत ज़्यादा आपका कट गया जो खून, देखो एफ से आप ब्लड से रिलेटेड करना, रक्त से, तो आपका ब्लड कभी कभी बहुत ज़्यादा बह गया, आपको चोट लग गई, तो क्या करते हैं हम लोग, ड्रेसिंग कराते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग, मतलब कि टांका लगवाते हैं। तो एफ टू भी क्या हो रहा है कि जब खून वेस्ट हो रहा है तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग करवाते हैं। तो आपको एफ टू भी याद करना है सर्जिकल ड्रेसिंग, एफ याद करना है ब्लड बैंक, एफ वन में आपको याद करना है वैक्सीन्स और एफ टू में याद करना है आपको सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है अब एफ थ्री, एफ थ्री क्या होता है, देखिए अम्बिलिकल कार्ड आप जानते होंगे, अम्बिलिकल टेप्स क्या होता है, जब डिलीवरी होती है बच्चों की तो उस समय भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है माँ की बॉडी से, क्योंकि जो अम्बिलिकल कार्ड होता है जिसको आप प्लेसेंटा बोलते हैं वो उसी के थ्रू बच्चे को काट के निकाला जा अलग किया जाता है, तो खुद खून बहता है। तो उसको भी रोकने के लिए हम अब टेप लगा सकते हैं ताकि खून ज़्यादा ना गिरे। तो अम्बिलिकल टेप्स आप देखते हैं बच्चे पैदा होता है तो उसकी नाभि में एक टेप बांधते हैं डॉक्टर लोग, अम्बिलिकल टेप्स। देखिए तीनों चीज़ को मैंने रिलेट किया है खून से, ठीक है, एफ से ब्लड बैंक, एफ वन से वैक्सीन, एफ टू से सर्जिकल ड्रेसिंग और एफ थ्री इज मतलब थी एम्बिलिकल टेप्स जो होते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है, दिस इज एफ थ्री। फ्रेंड्स एफ एफ की बात करें, एफ एफ मतलब दो फल, सुबह फल खाओ और शाम भी फल खाओ। अभी तक सिंगल एफ था अब दो एफ है, यानी सुबह फल खाओ शाम फल खाओ। अब पुराने लोग कहते थे भैया सुबह और शाम फल खाओगे तो आँख ही मजबूत रहेगी, चश्मा नहीं लगेगा आपको मेरी तरह। तो एफ एफ मतलब कि आँख मजबूत हो रही है, मतलब आँख मतलब ऑप्थेल्मिक, जितने भी ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स हैं, सोल्यूशंस हैं, ड्रॉप्स हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, एफ एफ के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड, कि आपको ये शेड्यूल सारे याद हो गए होंगे, मेरे ख्याल से दो बार वीडियो देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, सबसे अगला आते हैं हम लोग, दिस इज द शेड्यूल जी। अब जी सो आप क्या होता है, आप कहते हैं जी, जी मतलब ग्रोथ, ग्रोथ मतलब वृद्धि, ताकत बढ़ना, जब शरीर बढ़ना, लंबाई बढ़ना। और हमें पता है कि हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है किससे, हार्मोन से, हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं जिससे ग्रोथ होता है। तो जी जैसे ही आपके माइंड में आएगा आप जी से ग्रोथ याद करेंगे और ग्रोथ से क्या याद करेंगे, हार्मोन्स। यानी इस शेड्यूल के अंदर जितने भी हार्मोन्स प्रिपरेशन होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इन सब की जो दवाएँ होती है उसको किस रखा गया, शेड्यूल जी में रखा गया। अगली फ्रेंड आती है शेड्यूल एच। एच आप देखो, सॉरी मैं वर्ड यूज़ करूँगा, एच मतलब बड़ा हरामी है भाई, एच मतलब हाँ से हरामी, मतलब बड़ा हरामी। ये शेड्यूल एच बहुत कॉमन सा चीज़ है कि देखो ऐसी ये वही दवाइयाँ हैं कि जैसे कुछ दवाइयाँ अगर आप जाओगे मेडिकल स्टोर में लेने कि भैया हमको दे दो, तो अगर नहीं देंगे जाओ पर्चा लेके आओ, आप क्या कहोगे, बड़ा हरामी है रे ये तो मेडिकल स्टोर वाला। तो एच से हरामी क्यों, ऐसा उसने बोला भाई, वो हरामी तो नहीं, उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसने कहा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं ले सकते, वो क्या कहेगा, जाओ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। तो शेड्यूल एच में वही ड्रग आती हैं जिन दवाओं को कभी भी मेडिकल स्टोर वाला बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के पर्चे के नहीं दे सकता, और वो डॉक्टर भी कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द शेड्यूल एच। एच से मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा फ्रेंड। जे, जे में आपको फ्रेंड ऐसे आते हैं, जे मतलब हो गया झंडू, आप ये याद करो, जे से झंडू, आपको बस ये सब वर्ड याद करने हैं, जे से झंडू। अब झंडू लोग क्या होते हैं, जो झंडू लोग कौनों काम के नहीं होते, ना वो ससुरे अच्छा काम करेंगे और ना कौनों बुरा काम करेंगे, ना वो पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। तो फ्रेंड्स जो जे से झंडू है, तो झंडू मतलब होता है कि जो कोई काम ना करे। तो ऐसी बहुत सी दवाई होती है जिसका कोई फिक्स पता नहीं है कि हमारी बॉडी में क्या हेल्प करती है, तो ऐसे ड्रग को रखा गया है शेड्यूल जे यानी झंडू ड्रग में। यानी नो फ्रेंड्स मे लीगली क्लेम टू ट्रीट दिस डिजीज, यानी ऐसा कोई बीमारी को ठीक करने का वो नहीं लेते, लीगली क्लेम नहीं करते कि हाँ ये बीमारी इससे ठीक होती है, वो जे ड्रग में आती है। फ्रेंड आता है शेड्यूल के, ठीक है, कंटेन्स वेरियस सब्सटेंस एंड ड्रग अबाउट कंसपुल। अब के से होता है कि कई प्रकार के, आपको का से याद करना है, के से कई प्रकार के, कई प्रकार के, कई प्रकार के, मतलब बहुत से ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको हम अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, तो उसको हम लोग किसमें रखते हैं, के में। ठीक है, बहुत सी दवाइयाँ नॉर्मल, इसको शेड्यूल जी हटा दो, शेड्यूल एच हटा दो, शेड्यूल एक्स हटा दो, तो जो बच्चे की दवाइयाँ उसको किसमें रखते हैं हम लोग, शेड्यूल
के में, ओके फ्रेंड्स, शेड्यूल के में कई प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, बस आप याद रखना। एम, एम मतलब मशीनरी, एम मतलब मकान। आपको याद रखना है फ्रेंड कि जब हम कोई नई कंपनी खोलते हैं या नया कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसकी मशीनरी और मकान कैसा होना चाहिए, यानी उसमें कितने कमरे होने चाहिए, कमरों का साइज़ कितना होना चाहिए, कमरों में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, ड्रेनेज कैसा होना चाहिए, फिर एक मशीनरी मतलब उसमें मशीन कौन कौन से होने चाहिए, एसी कितना होना चाहिए, डिह्यूमिडिफायर कितना होना चाहिए, कौन कौन से डिवाइस होना चाहिए। तो किसी भी नई कंपनी खोलने में पूरा उपकरण और उसके मकान को लेकर जो भी बातें होती हैं इसको रखा गया है शेड्यूल एम में। इसको जीएमपी भी कहा जाता है फ्रेंड, आपने पढ़ा होगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी के अंतर्गत जो जीएमपी होता है पूरा वो शेड्यूल एम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने शेड्यूल आपको याद हो गए होंगे, आई होप सो। स्क्रीनशॉट लेके आप लिखते जाइएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल एन, एन में आते हैं रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मेसी रिक्वेंटेंस। क्या होता है कि जब आप एन से मतलब हो गया नया, एन से मतलब नया, जब आप कोई नया मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आप सोचेंगे कितनी अलमारी बनवाएं, कौन सा दुकान दवा रखें, तो जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी भी फार्मेसी के प्रोफेशन के लिए वो किस में आता है, शेड्यूल एन। आपको एन से नया याद करना, नया मतलब आप जब भी कोई फार्मेसी स्टोर खोलेंगे तो क्या क्या आपको चाहिए ये कौन बताएगा आपको, ये शेड्यूल एन बताएगा। ठीक है फ्रेंड, ओ, ओ से आपको याद करना उत्तरी, ओ से उत्तरी, उत्तरी। अब कहानी सुनो, आप किसी अपने आप कहीं जा रहे थे एक हफ्ते के लिए घूमने, तो आपने अपने फ्रेंड्स को बोला कि बेटा ऐसा है मैं जा रहा हूँ मेरे घर में, थोड़ा सा तुम कुछ दिन के लिए रुक जाओ क्योंकि मेरा जो एरिया है वो सेफ नहीं है, चोरी बहुत होती है, आप एक हफ्ते बाद में आऊँगा तो आप रहना। आपका फ्रेंड पूरा कमरा की ऐसी तैसी किया है, पूरा फैला है, लैटरिन बाथरूम एकदम गंदा हो गया है, और जैसे ही आप एक हफ्ते बाद लौट के आए घुसे कर, ओ तेरी मतलब इतना गंदा बाथरूम है, इतना गंदा बाथरूम है कि अब आपको फिनाइल डाल के धोना पड़ेगा। बस आपको याद करना है क्या फ्रेंड, ओ तेरी, अब तो फिनाइल डाल के धोना पड़ेगा। और फिनाइल क्या होता है, फिनाइल होता है डिसइंफेक्टेंट, यानी जो कि नॉन लिविंग सरफेस पे लैट्रिन बाथरूम सेल्फ क्या करता है, सफाई करता है। तो ओ में क्या आता है, डिसइंफेक्टेंट आता है। कहानी पूरी समझने के बाद आपको बस याद करना है कि शेड्यूल ओ के अंदर क्या आता है, डिसइंफेक्टेंट आते हैं, जैसे कि फिनॉल, लाइजॉल, ये सब आते हैं। ठीक है फ्रेंड, पी, पी मतलब पीरियड, पीरियड मतलब अवधि, किसी भी दवा की पीरियड, लाइफ पीरियड कितना है, वो 1.5 साल में एक्सपायर होगा, 2 साल में एक्सपायर होगा, 6 महीने में एक्सपायर होगा, 2.5 साल में एक्सपायर होगा, तो किसी भी ड्रग के जो लाइफ पीरियड डिसाइड कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहां से करते हैं, क्यों कौन करता है, इन सब की जानकारी कहां से मिलेगी आपको, शेड्यूल पी से। ओके फ्रेंड, शेड्यूल पी आप याद करिएगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते, क्यू, क्यू से मतलब, क्यू मतलब आप सोचिए, आप इसको क्यू से कलर, आप क्यू को कलर कह सकते हैं या फिर कहते हैं क्यू जी कलर लगाया होगा, तो क्यू से कलर। और कलर क्या होता है, लोग डाई यूज़ करते हैं ना अपने बालों पे, खिजाब लगाते हैं काला हो रखने के लिए, बुढ़ाई की शरीर आ जाती है, तो उसी कलर डाई और जो पिगमेंट्स होते हैं उसकी स्टडी किसमें करते हैं हम लोग, शेड्यूल क्यू में। क्यू मतलब कलर, आपको याद रखना फ्रेंड्स, क्यू से कलर। आर से फ्रेंड आता है रोकथाम, ठीक है, आर से रोकथाम, मतलब आजकल आरएसएस वाले ये रोकथाम कर रहे हैं कि भैया जनसंख्या कानून लाओ, धरती पे आबादी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ेगी, रोकथाम करो। तो अब ये रोकथाम मतलब क्या है कि आपको बच्चों को, लोगों को जागरूक करना है कि आप कंट्रासेप्टिव यूज़ करिए, आप कंडोम्स यूज़ करिए, आप यही सब आप यूज़ करिए। तो जितने भी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं या कंडोम्स होते हैं तो उनके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, शेड्यूल आर से। आर से रोकथाम, रोकथाम आरएसएस आप जोड़ लेना कि आरएसएस क्या रोकना चाह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें आप करते जाइएगा, समझते जाइएगा, मेरे ख्याल से कहानी आपको समझ में आ रही होगी और शेड्यूल आपको अब कभी आप भूलेंगे नहीं अगर आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं शेड्यूल एस। एस मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य, यानी कि फ्रेंड हर लड़की लड़का चाहता है कि वो बहुत सुंदर रहे, तो एस मतलब सुंदरता। सुंदरता के क्या करता है, वो ढेर सारे कॉस्मेटिक्स का यूज़ करता है, ढेर सारे कॉस्मेटिक्स लगाता है। तो एस में क्या आते हैं, कॉस्मेटिक्स आते हैं। आपको याद रखना कि जितने भी कॉस्मेटिक्स या टॉयलेट प्रिपरेशंस होते हैं वो सारे किस में आते हैं, शेड्यूल एस में। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। टी में आपको फ्रेंड करना, टी से तीनों, मतलब टी से तीन आपको याद करना, तीन। अब हमारे एलोपैथी के अलावा तीन सिस्टम और कौन कौन से, आप पता है आयुर्वेदा है, सिद्धा है और यूनानी है। तो ये तीनों सिस्टम अब धीरे धीरे बंद होने कगार पे, क्योंकि जो डॉक्टर आयुर्वेदी, सिद्धा या यूनानी पढ़े भी होते हैं वो प्रैक्टिस एलोपैथ की ही करते हैं या होम्योपैथी करते हैं। तो ये तीन सबसे कूड़े वाले जो आपको सिस्टम हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में, भगवान न करे ऐसा हो, ये आयुर्वेदा सबसे बेस्ट अभी माना जाता है लेकिन एरिया में तीनों का वैल्यू उतनी कम है। तो टी मतलब तीन, और तीन कौन कौन सिस्टम, आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी, ये आपको ट्रिक याद करना है फ्रेंड। यू आपको फ्रेंड याद करना है, यू, यू से यूट्यूब, बड़ा ही फेमस चीज़ है भैया, बहुत काम आता है सबके, यूट्यूब।
अब ये YouTube क्या है, YouTube में सारे सब्जेक्ट, सारे सिलेबस, सारे एग्ज़ाम के पेपर्स, सारे रिकॉर्ड किस में भरे होते हैं आपके YouTube में। तो शेड्यूल में क्या आएगा, जितने भी रिक्वायरमेंट और रेगुलेशन की रिकॉर्ड कीपिंग होती है, जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स बना के फाइल बना के सेव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड कीपिंग किस में आता है, शेड्यूल यू में। यू से YouTube याद करिएगा, YouTube से रिकॉर्ड याद करिएगा, ओके फ्रेंड। वी, अब वी में क्या होता है, वी से भैया वीआईपी, वी से क्या याद करना है, वीआईपी भैया, जो बड़े वीआईपी लोग होते हैं ना, वो क्रोसीन भी खाएंगे तो भैया बहुत महंगी वाली खाएंगे। कैसी खाएंगे, पेटेंट वाली खाएंगे, 50 रुपये पत्ता वाली खाएंगे। हम लोग गरीब लोग कितना खाएंगे, 2 रुपये पत्ता वाली खाएंगे। तो वी से मतलब वीआईपी, और वीआईपी लोग कौन सी दवा खाते हैं, पेटेंट दवा खाते हैं, वो जेनरिक दवा कभी नहीं खाते। तो आपको याद करना है वी से वीआईपी लोग, और वीआईपी मतलब पेटेंट। आपको जितने भी पेटेंट ड्रग्स होती हैं वो किसके अंदर आती है, शेड्यूल वी के अंदर आती है। फ्रेंड शेड्यूल एक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल एक्स क्योंकि सबको पता ही होता है। शेड्यूल एक्स में क्या होता है कि जो शेड्यूल एक्स में ड्रग आती है, आपने पढ़ा था एच मतलब हरामी वाला ना, वही सॉरी वो जो एच ड्रग था हरामी वाला, यानी कि जो मेडिकल स्टोर वाला नहीं दे रहा था बिना प्रिस्क्रिप्शन के। तो अगर उसका काम क्या है कि अगर मेडिकल स्टोर वाला प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है तो अपने पास एक रजिस्टर बना के डॉक्टर का नाम, पेशेंट का नाम और क्या दवा कितना दिया उसका रिकॉर्ड बनाए, अब बना के डेट वाइज लिखता जाए। तो ये जो रिकॉर्ड कीपिंग हो रहा है शेड्यूल एक्स एच ड्रग का, इसी को शेड्यूल एक्स कहते हैं। शेड्यूल एक्स को फॉलो करना होता है मेडिकल स्टोर वाले को। और शेड्यूल वाई, वाई वाई आर यू हर्टिंग देम, क्यों मार रहे हो तुम उनको, किसको, जानवरों को। तो शेड्यूल वाई में क्या होता है कि जब हम कोई दवा आदमी को देते हैं तो आदमी को देने से पहले जानवर पे उसकी टेस्टिंग करते हैं, जो भी नई दवा डिस्कवर होती है। तो शेड्यूल वाई उसे बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल और प्री क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो शेड्यूल वाई में आता है, वाई आर हर्टिंग देम, ओके। ये हो गया फ्रेंड्स आपके सारे शेड्यूल, मेरी पूरी कोशिश थी, आपको शायद समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट्स बना लीजिएगा और 2-3 बार देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे ट्रिक चाहिए, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। हम मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है मेरा, क्लासेस होती हैं, कोचिंग की, कॉलेज होता है, समय नहीं मिल पाता, फिर भी मैं समय निकाल के आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा मैं आपको। और बाकी नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट है ही है, उसमें आपको ईजी लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चल रहे हैं, बाय बाय।